लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। शहर के काशीराम कॉलोनी के निवासी काशी विश्वनाथ और खुदराम के भरोसे अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। तमाम नेता स्वर्गीय काशीराम जी का नाम लेकर राजनेता बन गए। उन्हीं की याद में शहरी गरीब आवास योजना चलाई गई, गरीबों को आवास दिए गए, गरीब खुश हो गए और राजनेता जब स्वर्गीय काशीराम जी को भूल गए तो उनकी स्मृति में बनी कॉलोनी कैसे याद रहेगी। लेकिन यह राजनेता यह भी भूल गए कि इस कॉलोनी में इंसान निवास करते हैं जिनकी हालत सुअर बाड़े से कम नहीं है। नाले का गंदा पानी सड़कों पर, पानी घरों में, जर्जर कॉलोनी, आवागमन कैसा, कॉलोनी के मुख्य द्वार से ही जाहिर। लेकिन राजनेता अपनी मस्ती में मस्त। स्थानीय कॉलोनी निवासियों ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री से कॉलोनी के इस भीषण समस्या से निजात दिलाए जाने की बात कही। संदीप मिश्रा की रिपोर्ट, रायबरेली। सरोज, कहाँ जाने वाले? काशीराम कॉलोनी में रहती हूँ, 88 लाख। ये पीछे जो गंदगी है, क्या कहना आप? जी, गंदगी बहुत हो रही है। गंदगी की वजह से इतने मच्छर, इतनी गंदगी, इतनी बीमारी, बहुत परेशान हम लोग। इतनी गंदगी है, हम तो यही प्रार्थना करती हैं और कोई से कि कम से कम इतनी ये रास्ता बन जाए, पीछे जगह से सफाई हो जाए, यही चाहती हूँ और कुछ नहीं। से और रह गई कि अब हम लोग गरीब लोग हैं, अगर अपना घर खुद का हो तो यहाँ क्यों जान हथेली पे लेके जी रही। देखो किस तरह गिर रही, पट 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 ये रहो तो गिरती रहती है। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है हम लोगों की, कहाँ जाएं। तो यहाँ नेता भी आते हैं, कुछ शिकायत कर भी की यहाँ के? हाँ, हम लोग शिकायत की है, दो चार लोग आए थे, अब नाम तो हमें नहीं मालूम है। फोटो भी इसी तरह बना के ले गए, सब कुछ कहीं कुछ नहीं, कभी नहीं रोड बनी है। आते हैं नेता लोग, आते हैं, फोटो खींच के ले जाते हैं, कहीं कुछ नहीं बन रही है। मधु कश्यप, इतनी गंदगी में कैसे रहती हैं आप? क्या बताएं भैया, इतनी गंदगी में रहते हैं, देख लीजिए आप लोग खुद ही कैसे रहते हैं। नहीं तो इसकी शिकायत भी कहीं करती है कि अरे कहाँ करें, जो आता है सब फोटो खींच के ले जाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ सुन के बस उड़ा देते हैं, खत्म हो जाता है। जब वोट लेने आते हैं सब लोग तो कहेंगे हाँ बन जाएगी बन जाएगी, हम लोग हर बार कंप्लेन करते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं यहाँ की। अच्छा, बच्चे कैसे रहते हैं, कैसे आना जाना हो पाता है? अरे भैया, अब बच्चे क्या रहते हैं, बच्चे घर में पैक रहते हैं बेचारे, स्कूल से आते कैसे में कैसे चले जाते हैं, स्कूल से आते घर में पैक रहते हैं, ना खेल पाते हैं बच्चे, ना कूद पाते हैं, घर ही में पैक रहते हैं, कहाँ जाए बच्चे। घर बाहर इतनी गंदगी है, रोड बनी नहीं है, गोदा कीचड़ सब भरा हुआ है, कीड़े बकोड़े सब निकल रहे हैं, सांप निकल रहा है, सब कुछ निकल रहा है यहाँ पे, और जो है बच्चे कहाँ खेल पाएंगे, बच्चे घर के अंदर पैक रहते हैं। अगर योगी और मोदी तक का मेरी आवाज जाए तो ये जरूर आके उनसे हाथ जोड़ के हम निवेदन कर रहे हैं कि ये मेरी रोड बन जानी चाहिए, बस हमको यही चाहिए कि मेरे द्वारे की रोड पूरी कम्प्लीट होनी चाहिए। इतनी गंदगी।